नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली एच लूंग के साथ मुलाकात कर व्यापार, निवेश, संपर्क साधन, नवोन्मेष और तकनीकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब से भी मुलाकात की। सिंगापुर में पीएम मोदी ने कहा कि वह सिंगापुर के पीएम ली के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वह हमेशा भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपना अथक प्रयास करते रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सिंगापुर का संबंध सच्चे सामरिक भागीदारी की कसौटी पर खरा उतरा है। हमारे संबंध में कोई असहजता नहीं है, बल्कि केवल गर्मजोशी, सौहार्द और विश्वास है। सिंगापुर हमारा अहम साथी है। आज हमने द्विपक्षीय संबंधों पर रिव्यू किया और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की। बेनामी संपत्ति पर जोरदार चोट करने के इरादे से सरकार ने 1 करोड़ रुपए की नामी योजना का ऐलान किया है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को उजागर करने के लिए बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवार्ड योजना 2018 की शुरुआत की है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देने पर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिल सकती है। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी अटपटा बयान दिया है। मथुरा में हिंदी पत्रकारिता दिवस के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीता माता का जन्म मिट्टी के बर्तन से हुआ था। उन्होंने कहा कि रामायण काल में भी माता सीता का जन्म मिट्टी के बर्तन से हुआ था, यानी रामायण के समय भी टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक रही होगी। पंजाब की शाहकोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ये भी तय हो गया है कि पंजाब में अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में पटना की एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को आज उम्र कैद की सजा सुना दी। इस आतंकी हमले में तेज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महज 4 साल 10 माह 19 दिन में दोषियों को सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में आज एक प्रेशर बम विस्फोट हुआ। ये बम नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। इस घटना में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी बंगला खाली करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सूबे के पूर्व सीएम और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य के संपत्ति विभाग से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में 4 कमरों की मांग की है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का सामान सरकारी बंगले से लखनऊ के ही किसी घर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अखिलेश ने रहने के लिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस में अपने और अपने परिवार के लिए 4 कमरों के सेट की मांग की है। बिहार में वैशाली जिले के मलिकपुर इलाके में दलितों के घर में आग लगाने की घटना में राजनीति तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी के दबंग लोगों ने 4 घरों में आग लगाई है। उन्होंने कहा कि दबंगों ने दलितों के साथ मारपीट भी की है। इन दबंगों को आरजेडी संरक्षण दे रही है। हमने इस मामले में एसपी से बात कर पूरी जानकारी ले ली है। एसपी ने तत्काल उचित कार्रवाई करने की बात कही है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए करीब 2 साल पहले पाकिस्तान को उसी की धरती पर सबक सिखाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने भारतीय सेना में अहम जिम्मेदारी संभाल ली है, जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा भी शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान डीजीएमओ रहे लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह को लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंपू के स्थान पर थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के मामले में ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। एजेंसी ने बैंक से 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले संदेशारा ग्रुप की 4,701 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। ईडी ने संदेशारा ग्रुप के मालिकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की और प्रॉपर्टी, रेंज रोवर की गाड़ी, फर्जी चेकबुक, 200 से ज्यादा बैंक खाते और बायोटेक प्लांट आदि जब्त किए। गुजरात, मुंबई कई जगहों पर छापेमारी के दौरान विदेश में 50 से ज्यादा बैंक खाते भी पाए गए। भारत पहली बार चीन को चीनी निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। भारत 10 से 15 लाख टन चीनी निर्यात करेगा। ये सौदा करीब 50 करोड़ डॉलर का हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर वुहान की अपनी यात्रा के दौरान गत 28 अप्रैल को इस बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत पर इसका आश्वासन दिया था।
सोशल मीडिया पर कब किसे लोकप्रियता हासिल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ दिन पहले प्रिया प्रकाश वारिया इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी। अब एक आदमी अपने डांस की वजह से खूब चर्चा में है। संजीव श्रीवास्तव नाम का ये व्यक्ति गोविंदा के गानों पर लाजवाब डांस करते हुए नजर आ रहा है। पेशे से प्रोफेसर संजीव भोपाल भाभा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग इनके वीडियो को जमकर शेयर भी कर रहे हैं। अपकमिंग फिल्म शमशेरा में अभिनेता रणवीर कपूर के साथ काम करने के लिए तैयार अभिनेत्री वाणी कपूर का मानना है कि पावर हाउस ऑफ टैलेंट के साथ काम करना शानदार होगा। वाणी ने कहा कि कलाकार के रूप में रणवीर जैसे पावर हाउस ऑफ टैलेंट के साथ काम करना शानदार होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मैं प्रशंसक हूँ और जिसकी फिल्में देखना मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद रहा है। दिन भर की खास खबरों में साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।